मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से क्योंकि याद रखिएगा झारखंड के बाद इससे बड़े बड़े दबंग नेता आएंगे इस छोटी सी आयु में इतने सरल तरीकों से बात रखने वाला बेटा धोखा पाएगा। मैं तमाम बिहार के भाइयों को हमारा चूल्हा आपका नहीं, हमारी रोटी आपकी नहीं, हमारी पत्नी आपकी नहीं, हमारा खेत आपका नहीं, तो फिर ये राज्य आपका कैसे? हमें 79,000 वर्ग किलोमीटर में खेत मिला है, हम उस खेत में जोतने का, कोड़ने का, काटने का और उस फसल को खाने का अधिकार मांगते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। इसलिए भरम मत फैला, इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई भरम नहीं फैला कि हम हमारी बिक्री कर रहे हैं। आप आए हैं, बड़ा भाई को जिस प्रकार एक छोटा भाई अधिकार देता है, नौजवान साथियों को यहाँ के तमाम शिक्षण संस्थानों में अपने कंपटीशन और शिक्षा को हासिल करने वाले, अपने घर से कोसों दूर रहकर पढ़ाई करने वाले सभी नौजवानों को मेरा जोहार प्रणाम। आज एक ऐतिहासिक घटना, एक ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक मैदान हजारीबाग, झारखंड राज्य का सबसे प्राचीन जिला हजारीबाग है, ये तो आपको जानकारी होगा। हजारीबाग जिला का गठन हुआ था 1833 में, तो आज ये ऐतिहासिक लम्हा है। तो आज हजारीबागों के शहर हजारीबाग में उपस्थित जितने भी लोग आज इस बदलाव संकल्प सभा में सुनने के लिए आए हैं और जो आयोग है, क्योंकि सभी का नाम लेना आसान नहीं होगा, तो जितने भी लोग जो यहाँ आए हैं, जो आयु में हमसे बड़े हैं, उन्हें मैं एक साथ चरण स्पर्श करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ऐसे नौजवान जो आयु में हमसे छोटे हैं, उन्हें मैं ढेर सारा आशीष देता हूँ, अपना प्रेम, अपना दुलार देता हूँ। वो है तारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विगत 1.5 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कुछ सफलताएं, कुछ असफलताएं, कुल मिलाकर मिला जुला परिणाम हमें दिखा। बहुत सारे लोगों ने कहा, ठीक है अपनी भाषा में बोलिए, ठीक है ठीक है। तो जैसा कि तुमने की जानकारी है, इस लड़ाई के स्टार्ट भाषा से भी लड़ाए और जितना भी नौजवान अपने के डिमांड है कि हमने के लोकल भाषा में भाषण होना चाहिए, ठीक है बात है बराबर। इस लड़ाई की शुरुआत पहले भाषा से, भाषा के बाद खतियान, खतियान के बाद नियोजन नीति, नियोजन नीति के बाद स्थापन नीति, उद्योग नीति और कुल मिला के पूरा 1.5 साल से तमाम मुद्दा के साथ आंदोलन करें। अपन बात आते से पहले धन्यवाद स्थानीय आयोजन समिति का, विशेष धन्यवाद यहाँ पर जितने भी लोग जुटे हैं, मैं फिर अपनी भाषा में वापस आऊंगा चूंकि धन्यवाद का समय है। जितने भी लोग जुटे हैं अपने काम काजों को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद दूंगा जिनके माध्यम से आज हम लोग का आंदोलन गांव गांव घर घर टोले मोहल्ले तक प्रवेश किया है और आज झारखंड में बदलाव के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देख पा रहे हैं, दर्जनों दर्जन की संख्या में स्थानीय थाना प्रभारी, पुलिस दल आए हैं, उनका भी मैं जिला प्रशासन का, स्थानीय थाना का धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यपालिका के अभिनंद जिनके माध्यम से आज इस कार्यक्रम को, जिस पर निगरानी रखी गई है, मैं स्थानीय थाना प्रभारी, जिला प्रशासन, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी पुलिस के जवान आए हैं आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों सभी जाना है और पूजा है कि भारत एक ऐसा देश लग रहा है जगत में विविधता है, विविधता यानी सब एक जैसा, सब में कुछ न कुछ अलग अलग परिभाषा है।
जब भारत देश अंग्रेज से आजाद हुआ है तो सबसे पहले 1953 में फैजल अली आयोग के गठन बना है और अलग राज बना के प्रक्रिया आरंभ करा। 1956 में अधिनियम बनले और सबसे पहला राज जब भारत देश में बंटवारा हुआ है तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के रूप में सन 1953 में आधार की है भाषा तमिलनाडु घाटे तमिल आंध्र प्रदेश घाटे तेलुगु यानी भारत देश के जो सबसे पहला विभाजन बना है ओकर लड़ाई कर रहे भाषा ओकरे आधार पर भारत देश में पहला राज विभाजित भय के अलग बने। धीरे धीरे समय बढ़ा है 1960 में फिर से वापस महाराष्ट्र जगत नाम कभी बॉम्बे है गुजरात और महाराष्ट्र में विवाद बना है फिर दोनों स्टेट अलग भय गए एक के नाम भय गए महाराष्ट्र दूसरा के नाम भय गए गुजरात कारण की है 1966 में पूरा पंजाब और हरियाणा आपस में अलग भय गए कारण की है यानी कुल मिला के जितना भी राज्य अलग भला है वह बंटर अलग भला है कि हमारे राजवासी के उस राज्य में सम्मान नहीं है। आज चूंकि हमने भले नेता सब के राजधानी रांची लगा चूंकि हमारे राज्यसभा तो नेतवन के राजधानी रांची लगा लेकिन पढ़े वाला गिडवन के राजधानी हजारीबाग लगा एक बात क्या पॉलिटिशियन हम रांची है लेकिन एजुकेशन हम हजारीबाग और इतिहास गवाह है कि जब जब छात्र पे बोला है जितना भी सरकार बनवाए जितना सरकार बिगड़वाए सबसे ज्यादा आघात अगर कर लो हम ककरो हलाय तो छात्र के भैया मोबाइल ने अभी हम हजारीबाग जिला में खड़ा है एकर लेटेस्ट बहाली है शिक्षक बहाली सो भी पेपर के माध्यम से पढ़ले है जितना भी पढ़े वाला भैया हमर भाई साहब हमर दादा साहब हमर बहन साहब तो नहीं शिक्षक बहाली के बारे पढ़ले है बहुत लगभग 3600 बहाली है 3600 बहाली है चलिए हम चुके हजारीबाग में बना लिए हजारीबाग में खड़ा ही है तो हजारीबाग की बात करें हजारीबाग में 143 को सीट है आप मान के चल हजारीबाग में ब्लॉक कितना है 16 ब्लॉक यदि 16 के 143 से भाग दबाए तो मोटा मोटी 16 × 144 16 × 160 यानी 9 एक ब्लॉक के हिस्सा में 9 मास्टर के बहाली यानी हजारीबाग सदर ब्लॉक लगा बगल में केरे डाड़ी है कटकम चांदी है बगल किशुनगढ़ है चुरचू है डाड़ी है यानी प्रत्येक ब्लॉक के हिस्से में 9 मास्टर बनना चाहिए। मेरे साथी साहब तोहनी हजारीबाग के 16 के 16 ब्लॉक से आए हैं कि तोर ब्लॉक में 9 मास्टर बन लो ना होला तोहनी ब्लॉक में 9 मास्टर बन लो ना होला किशुनगढ़ वाले नहीं बदलना ना होला कि 9 मास्टर तोर ब्लॉक में है चुरचू एक ब्लॉक के हिस्सा में 9 मास्टर है यानी तोर ब्लॉक में अगर 9 मास्टर ना बोले यानी स्पष्ट नौकरी बचाए वो नौकरी बड़ा दाम दे के बचाए। आज कितना दुख के बात है हमने राज अलग भले 2000 में हमने से 14 साल लगभग 14 साल बाद आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना बना क्योंकि तेलंगाना की भाषा भी तेलुगु है और आंध्र प्रदेश की भी भाषा तेलुगु है भाषा के आधार पर नहीं वो अपन प्रशासनिक व्यवस्था पिछड़ापन या फिर अपने आधार पर उस राज्य के गठन करेंगे तुम्हें की जानकारी होना चाहे आज तेलंगाना जो झारखंड से लगभग 14 साल बाद बन रहा है वो सेकेंड नंबर में जीडीपी है तेलंगाना राज्य जो 14 साल बाद झारखंड बना 14 साल बाद बन रहा है आज सेकेंड नंबर है भारत देश के जीडीपी के मामले में कहे न शासन में तेलंगाना के आदमी प्रशासन में तेलंगाना के आदमी अरे जहां जी गए जहां तक तो नजर जीतो तेलंगाना के आदमी है आज सेकेंड नंबर जीडीपी।
अधिकार मिलता है कि आश्वस्त कर रहे हैं। लेकिन हमने किया, हमने क्या की परिस्थिति हो जहां तक नजर उठाए गए कि अगर चपरासी से लेकर कलेक्टर तक हर जगह बाहर के आदमी के कब्जा हो, हर जगह बाहर के आदमी के कब्जा हो, तो कोई सोच सकल है कि आज ये राज्य कैसे विकास करते हैं। हर जगह कहीं भी चल जाओ, शिक्षक बहाली में चल जाओ, इंजीनियर के बहाली में चल जाओ, डॉक्टर के बहाली में चल जाओ, अरे कंपाउंडर के बहाली में चल जाओ, क्लर्क के बहाली में चल जाओ, हर जगह अगर बाहर के लोग बनता है तो अलग राज्य का निर्माण, अलग राज्य का निर्माण कहे का। यदि हम एक सारा वैकेंसी बाहर के बचना लाए, यदि सारा नौकरी बाहर के बचना लाए, तो अलग राज्य के निर्माण कहे। इतना बलिदान, इतना संघर्ष, इतना ताप, इतना त्याग, इतना जान देने के बाद, इतना बलिदान देने के बाद, इतना पुलिस के लाठी खाए बाद, इतना कपार फटा फटल बाद, इतना शरीर में एक एक चांद छाइल रहे जब पुलिस के लाठी खेल रहा है, आखिर अलग राज का है। अलग राज है कि बोला है कि हमने के 12 लाख मजदूर बाहर खड़े देते, चूंकि यहाँ जैसे हम देखे पावे भीड़ में भगवतर ब्लॉक और विष्णुगढ़ ब्लॉक के बहुत सारा अधिकारियों का छाप पहले है, तो उन्हीं की जानकारी होना चाहे पूरे भारत देश में यदि सबसे ज्यादा पायलट नहीं है तो झारखंड के भगवतर और विष्णुगढ़ ब्लॉक की है। दिन खातिर एक गिरिडीह जिला, एक हजारीबाग जिला की यह दिन खातिर अलग राज बोले कि हमने मजदूर की संख्या बढ़ते अलग राज की है। साफ सफल बताइए कि अलग राज का गठन क्यों किया गया था, अधिकारी की संख्या बढ़ाने के लिए या मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए? अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए, शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए, अभियंताओं की संख्या बढ़ाने के लिए, चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए, वकीलों की संख्या बढ़ाने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए अलग राज लिया था। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, दिन प्रतिदिन मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए आज जितने भी नौजवान, अभिभावक, माताएं, बहने, महिलाएं इस मंच पर, इस बदलाव संकल्प सभा पर, ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान तक आई है, आज हमें संकल्प लेकर जाना होगा, इस राज्य में अगर बदलाव लाना है तो 24 हमारे लिए निर्णायक होगा, 24 हमारे लिए महत्वपूर्ण। चूंकि मैं फिर कुछ चंद मिनटों के लिए हिंदी में संबोधन करूंगा, इसलिए चूंकि मुझे लगता है इन बड़ी बड़ी इमारतों में अन्य राज्यों के लोग भी भारी संख्या में रहते हैं और उन्हें ऐसा मीडिया के माध्यम से या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से बात जाती है और उन्हें समझ में शायद नहीं आती है और ये उन्हें लगता है कि ये बाहरी भीतरी की लड़ाई है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है, ये एक शोषण की लड़ाई है, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में जितने भी यूपी बिहार से लोग आए हैं, मैं सीधा उन्हीं से संवाद करना चाहूंगा और कहर की बात है, भले वो यहाँ तक नहीं आए हैं लेकिन जोहार हजारीबाग, दैनिक खबर, 22 स्कोप और जो भी पंडित दीदी इनके माध्यम से घर में बैठकर सुनी लेंगे, क्योंकि सामने अगर सियासत आते हैं जितेंद्र का बोकारो वाला सुनेंगे, क्योंकि हजारीबाग में यूपी बिहार की इमारतों की संख्या ज्यादा है और चूंकि अगर सियासत खड़ी होती है तो हम सियासत पे आधा घंटा बोलते हैं, अगर जिला पुलिस खड़ी होती तो हम जिला पुलिस से बात करते हैं, आज हम यूपी बिहार पे ही बात करेंगे क्योंकि हम विवाद नहीं चाहते, हम अपना विचारधारा को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई यूपी बिहार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई भारी भीतरी की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है हमारे अधिकार की। आज जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई कहीं जाके रह सकता है, फंस सकता है, और अच्छी बात है, लेकिन ये केवल झारखंड में है क्यों? आज जितने भी यूपी बिहार के लोग, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है और ब्यूरोक्रेट्स में भी, ब्यूरोक्रेट्स में उनकी संख्या ज्यादा है, उनका दबदबा है, इसलिए साफ कहते हैं आपके लोग बंगाल में भी है। हमें एक भी आंदोलन दिखाइए बंगाल की गलियों में जो अपने अपनी भाषा और अपने अधिकार की बात किया। आपके लोग महाराष्ट्र में है और हजार में नहीं लाख में है, आप बताइए कब अपने महाराष्ट्र में आंदोलन किया? आपके लोग तेलंगाना में है, आपके भी हमारे लोग झारखंड के लोग भी है, तेलंगाना में, तमिलनाडु में,
गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, आंध्र प्रदेश में है, सभी राज्यों में है। बताइए माए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि यह लड़ाई जारी बिक्री की नहीं है, ये लड़ाई विभाजन की नहीं है, ये लड़ाई मानवता की है, ये लड़ाई रोटी के अधिकार की है। मेरे जितने भी यूपी बिहार के भाइयों जिनको यह लगता है, बताइए बाकी राज्यों में आपका क्या स्टैंड है। मेरे जितने यूपी बिहार के भाई जो आज यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, जो आज शासन से प्रशासन में यहाँ अपना प्रभुत्व बना के रखे हैं, अपना वर्चस्व बना के रखे हैं, आपके लोग महाराष्ट्र में भी हैं, एक मुखिया नहीं है एक वार्ड पार्षद नहीं है अपना वहां, ये झारखंड है। एक तो उल्टा आपको छोड़ी भर के रहने दिए, ठिकाना दिए, और आज हम भी यहाँ दिखा के बात करते हैं कि भारत में कोई कहीं है तो बताइए महाराष्ट्र में आपका कितना विधायक है, पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है, पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है बताइए। दिल्ली का बात मत कीजिए, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली की बात नहीं करेंगे। तमिलनाडु में आपका कितना विधायक है, तेलंगाना में आपका कितना विधायक है, झारखंड में गिना देते हैं, जयंत सिन्हा विधायक का एमपी गिना रहे, जयंत सिन्हा, संजय सेठ, सुनील सिंह, पीडीरा, पीएन सिंह, निशिकांत दुबे, कितना गिनाएंगे, 14 तो कितना गिनाएंगे। तो इसलिए हम स्वीकार करते हैं माए, खासकर मैं बिहार के तमाम जो भी लोग जिस पद पर हैं, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं। संवैधानिक दृष्टिकोण से आप हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि इसी भारत के संविधान के तहत हम लोग आपसे नाराज लिए हैं। और ये मेरा संदेश, क्योंकि लोग बिहारी झारखंडी करते हैं, मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि याद रखिएगा झारखंड के बाद इससे बड़े बड़े दबंग नेता आएंगे, इस छोटी सी आयु में इतने सरल तरीकों से बात रखने वाला बेटा धोखा मारेगा। मैं तमाम बिहार के भाइयों को, मैं तमाम बिहार के भाइयों तक ये संदेश दूंगा, हम मानते हैं आप हमारा बड़ा भाई है। अभी गांव में शादी का सीजन है, अगर किसी भाई का विवाह होता है 5 साल बाद उसको अधिकार अलग दिया जाता है, चूल्हा अलग दिया जाता है, यस या नो? हम लोग भाई के बिहार भाई लोग नेता मान के कर लो, माफी चाहे तो नहीं करना। अगर भाई का, क्योंकि शादी का दिन है, भाई को शादी दिया 2 महीना 6 महीना बाद चूल्हा अलग नहीं मिला, कुछ साल बाद उसको खेत अलग मिला, मिला कि नहीं मिला? तो यदि उसको चूल्हा अलग मिला तो क्या बड़ा भाई का ये कर्तव्य बनता है कि छोटे भाई का चूल्हा में जाके अपना भोजन पकाएगा? नहीं बनता है। क्या बड़ा भाई का कर्तव्य बनता है कि छोटे भाई को हिस्सा में जो खेत मिला है उसमें जबरदस्ती फसल लगाएगा? यह संदेश बिहार के भाइयों के लिए सीधा संदेश, कोई डर भाई नहीं, लॉजिक उनके पास 54% है, हमारे पास 46 है, चले 46 ही बहुत है। तमाम बिहार के भाइयों, हमने आपसे ही अलग राज लिया है, हम आपको छोटा भाई है, हम अलग चूल्हा ले लिए, हम अपना अलग खेत बना लिए, अरे हम अपनी पत्नी भी बिहार के अलग लिया है, कि हमारी पत्नी आपकी होगी, कि हमारा खेत आपका होगा, हमारा चूल्हा आपका होगा, हमारा चूल्हा आपका नहीं, हमारी रोटी आपकी नहीं, हमारी इसीलिए भगाने की लड़ाई नहीं है मेरे बिहार के भाइयों, ये भाई भाई में लड़ाई की बात नहीं है, ये बड़ा भाई जो हमको अधिकार छोटा भाई को दिया है, हम यही चाहते हैं कि वो जवानी नहीं, वास्तव में हमको अधिकार चाहिए। जो खेत जो हमारा 46% है, बिहार से जो हमें खेत मिला है 79,000 वर्ग किलोमीटर का हमारा खेत है, झारखंड में जो खेत मांगते हैं हमें 79,000 वर्ग किलोमीटर में खेत मिला है, हम उस खेत में जोतने का, कोड़ने का, काटने का और उस फसल को खाने का अधिकार मांग
इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। इसलिए भरम मत फैला, इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई भरम मत फैला कि हम हमारी बिक्री कर रहे हैं। आप आए हैं, बड़ा भाई को जिस प्रकार एक छोटा भाई अधिकार देता है, यदि मान के चलिए हमारी लुगाई छोटे भाई की पत्नी अगर सोमापी मायके से ऐसा पिता लेके आई तो बड़ा भाई को जरूर दो चार को देती है। तो